रामपुर शहर विधायक आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाईकोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद भी वे जेल से नहीं छूट सके हैं। अब ईडी ने भी उन पर शिकंजा कस लिया है। दरअसल ईडी की टीम जांच पड़ताल के लिए जौहर यूनिवर्सिटी पहुंच गई है। ईडी के संयुक्त निदेशक अमित मिश्रा के नेतृत्व में टीम जौहर यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड खंगाल रही है। तहसीलदार प्रमोद कुमार भी लेखपालों के साथ पहुंच गए हैं। इस मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने 2.5 साल पहले शिकायत दर्ज कराई थी। आजम खां ने विदेश से पैसा लिया है और उसे जौहर यूनिवर्सिटी में लगाया गया है, साथ ही नियमों का उल्लंघन किया गया है, उसकी जांच कराई जाए। इस दौरान ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में केस दर्ज कर लिया था। इसके साथ ही प्रशासन ने ईडी को जांच रिपोर्ट भेजी थी। इसमें कहा गया था कि आजम खां ने किसानों, अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन पर कब्जा करने के बाद ही यूनिवर्सिटी बनाई है। उनके खिलाफ जमीन कब्जाने के मामले में 30 मुकदमे दर्ज हुए हैं।